वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टू नोट्स चैनल। आज हम इस वीडियो में हैलोजन डेरिवेटिव्स के चैप्टर का सेकंड पार्ट लेंगे। हम इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। देखिए, पहली वीडियो में आपने अगर देखा होगा उसको देखिए, और वो देखने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दिया है, तो वो बेसिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको वीडियोस और हेल्प हो जाएंगी। हम आज देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देखिए, इसके एक्चुअली तीन टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैं, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स और किसे कहते हैं सेकेंडरी और किसे कहते हैं, ये समझना है हमें। तो लेते हैं पहला, देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी क्या है, इसी के हम समझ लेंगे। और बहुत सिंपल है, देखिए क्या है डेफिनेशन। द अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन, ये है पॉइंट। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन ये है कि ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम किसको अटैच हो, प्राइमरी कार्बन को। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या होंगी, द अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, द अल्काइल हैलाइड इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू टर्शियरी कार्बन। ये सिंपल डेफिनेशन याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी कार्बन, तो हम वो समझते हैं। ये क्वेश्चन हमको जल्दी सता सकता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कार्बन, तो बहुत आसान है। देखिए, इसको समझना बहुत सिंपल। देखिए, द कार्बन विच इज़ अटैच टू ओनली वन कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन को अटैच हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेंगे और बहुत सिंपल है समझने के। देखिए, आपको ये समझना है कि कार्बन का अटैचमेंट क्या है। देखिए, ये हमने इथेन लिया है, ठीक है, ये हमने इथेन लिया है। अब देखिए, ये इथेन में ये कार्बन किसको अटैच है, ओनली वन कार्बन को, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। हम वन डिग्री को समझेंगे प्राइमरी कार्बन। ठीक है, हम प्राइमरी को बोलेंगे वन डिग्री, सेकेंडरी को इस तरह ढूंढ करेंगे टू डिग्री, टर्शियरी को थ्री डिग्री, राइट, इस तरह। तो ये प्राइमरी, ये क्या है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये इसको एक ही कार्बन को अटैच है। आपको कंसेप्ट समझना है, आपको इसको फोकस करना, ये छोड़ देना है, एक कितने कार्बन को अटैच है, सिर्फ एक को अटैच है, तो प्राइमरी कार्बन है। ये किसको अटैच है, एक को अटैच है, तो प्राइमरी कार्बन है। अगर इन दोनों में कहीं भी आप हैलोजन लगाते हो, जैसे कि CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, या CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, या CH3CH2I इथाइल, ये सब क्या हो गया, एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल होंगी ये। ठीक है, उसी तरह ये देखिए, ये कार्बन, ये किसको अटैच्ड है, ओनली वन कार्बन, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन इसको अटैच्ड है, तो ये भी हो गया प्राइमरी कार्बन। लेकिन ये कार्बन कितनों को अटैच्ड है, ये दो को अटैच्ड है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। अगर आपका हैलोजन, आपने Cl लिया है, अगर Cl यहाँ पर अटैच्ड है इस कार्बन पे, तो हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर यहाँ पर अटैच्ड है तो भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर Cl यहाँ पर अटैच्ड है, ये H हटाकर, हमने देखा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो ये एक दो में से एक H हटाकर आप यहाँ लाओगे, हम एग्जांपल देखेंगे, तो वो हो गया सेकेंडरी। क्योंकि ये वो हैलोजन, अगर यहाँ पर मैं एक H हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं अगर Cl लिख देता हूँ, अब ये हो गया, ये एग्जाम्पल हो गई सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। क्यों, क्योंकि ये इसमें हैलोजन या क्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं आप, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो कार्बन दो को अटैच्ड है। तो पहले आपको प्राइमरी कार्बन आइडेंटिफाई करना है, सेकेंडरी कार्बन आइडेंटिफाई करना है, टर्शियरी कार्बन आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए, इसमें ये कार्बन सिर्फ एक को अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ। ये कितने को अटैच्ड है, इसको और इसको अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन हुआ। ये किसको अटैच्ड है, दो को अटैच्ड है, तो सेकेंडरी कार्बन हुआ। और ये एक को अटैच्ड है, तो प्राइमरी कार्बन हुआ। ठीक है, इस तरह आपको समझना है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, ये है, ये हमने एग्जांपल लिया एन पेंटेन, ये है आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, और ये साइक्लिक। इसको देखिए आप, इसमें ये पांच कार्बन है, बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमारी वीडियोस लिंक्स में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरे आइडियाज़ आ जाएंगे। ठीक है, देखिए, ये जो कार्बन एक को अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन दो को अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन, ये दो को अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन, और ये एक को अटैच है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एन पेंटेन में हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकते हैं वो, तो आपको समझ में आना चाहिए। आपने आइसो ब्यूटेन लिया, देखिए CH3CH, CH3CH2CH3, तो ये प्राइमरी कार्बन है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, ये कार्बन भी एक को अटैच है, ये भी प्राइमरी कार्बन हुआ। लेकिन ये कार्बन, ये कार्बन जॉइंट है, जंक्शन,
ये कितनों को अटैच्ड है, एक बॉन्ड इधर कार्बन से, एक बॉन्ड इधर, एक यानी तीन कार्बन के बॉन्ड जा रहे हैं, मीन्स ये टर्शियरी कार्बन है, वेरी सिंपल। ठीक है, ये कार्बन बोलिए ये सेकेंडरी हुआ और ये प्राइमरी हुआ। उसी तरह इसमें देखिए नियोपेंटेन में ये CH3 है तो प्राइमरी 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 और ये क्या हो गया, ये हो गया क्वार्टरनरी कार्बन, क्योंकि चार चार कार्बन को अटैच है। याद रखिए जितनी भी CH3 सब प्राइमरी होते हैं, जितनी भी CH2 होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, जितनी भी CH आते हैं वो टर्शियरी होते हैं। ठीक है, और कार्बन विदाउट हाइड्रोजन और क्वार्टरनरी। देखिए साइक्लो हेक्सेन में क्या है, दोबारा बोलिए, जितने भी CH3 हैं वो प्राइमरी होते हैं, जितने भी CH2 वो सेकेंडरी होते हैं, जितने भी CH वो टर्शियरी होते हैं, और सिर्फ कार्बन है हाइड्रोजन है क्वार्टरनरी होते हैं। इसमें सब CH2 इसका मतलब ये भी सेकेंडरी सबके सब सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो अगर इनमें कहीं हाइड्रोजन अटैच रहा तो वो होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, सेकेंडरी अल्काइल, अभी हमने देखा है कि इन दिस हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। एग्जांपल देखिए, ये देखिए ये सेकेंडरी कार्बन था तो ये सेकेंडरी अल्काइल हुआ। हमने भी देखा है साइक्लो हेक्सेन में सब कार्बन सेकेंडरी होते हैं तो ये सेकेंडरी अल्काइल हुआ। इसमें देखिए एंड पेंटेन हमने देखा है ये सेकेंडरी कार्बन है तो ये सेकेंडरी अल्काइल हुआ। साइक्लो पेंटेन में सब CH2 है, इसका मतलब ये भी सेकेंडरी अल्काइल एग्जांपल है। ठीक है, टर्शियरी की एग्जांपल देखिए, देखिए डेफिनेशन क्या है कि इन दिस हैलोजन एटम इज अटैच टू टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन आइडेंटिफाई करना है, हमने देखा है देखिए ये CH2 है सेकेंडरी, ये प्राइमरी हमने कहा CH3। ये जो कार्बन है यहाँ पे एक H है, क्यों, क्योंकि तीन बॉन्ड तो कार्बन से बन गए हैं, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन है, तो ये हो गया टर्शियरी कार्बन। अगर यहाँ पर हैलोजन है, फ्लोरीन है, तो ये हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरह ये देखिए ये सेकेंडरी सब CH2 है, ये सेकेंडरी क्योंकि CH2 है, ये प्राइमरी, लेकिन ये जो कार्बन है ये टर्शियरी होगा। अगर यहाँ पर आप आयोडीन या कुछ लगाते हो तो दैट इज एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसमें देखिए, इसमें आप देखोगे तो ये कार्बन टर्शियरी है, अगर यहाँ पर आप कोई भी हैलोजन आइटम लगाते हो तो टर्शियरी अल्काइल हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए ये है, ये एक स्ट्रक्चर है, नाम अभी नहीं देना है, हम देखेंगे IUPAC में और ज़्यादा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये टर्शियरी कार्बन, अगर यहाँ पर आप BR लगाते हो या CL कुछ भी लगाते हो तो हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो ये हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स एग्जांपल्स। देखिए इसके अलावा कुछ अदर हैलोजन डेरिवेटिव्स भी हैं जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये नीट में, JEE में, एम्स में बहुत पूछता है, ये बेसिक आपको आइडिया आना चाहिए। देखिए उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी अल्काइल हैलाइड्स हैं इन सब में कार्बन के चार बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो सबके सब क्या है, sp3 कार्बन है। देखो ये याद रखिए, sp3 कार्बन समझना है आपको। ठीक है, हमारे वीडियोज़ देखिए आपको समझ में आएगा कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरह होता है। ठीक है, देखिए फ्यू अदर हैलोजन, देखिए इसमें भी तीन कैटेगरी है, कुछ इंपॉर्टेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। एक है विनाइल हैलाइड, तो किसे कहते हैं समझ लीजिए। देखिए ये ग्रुप जो है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बॉन्ड मीन्स खाली है, ये ग्रुप जिसमें भी रहेगा उसे कहेंगे हम विनाइल ग्रुप। ये कार्बन जो है इसे कहते हैं sp2 कार्बन, और ये कार्बन भी क्या है, sp2 कार्बन, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अल्कीन सर sp2 हाइब्रिडाइज। एग्जाम्पल देखिए, ये इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा विनाइल ब्रोमाइड, और इसका नाम होगा विनाइल फ्लोराइड। ठीक है, ये हो गया एक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनाइल कार्बन, तो देखिए डेफिनेशन अभी हमने जो देखा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज कॉल्ड एज विनाइल कार्बन या विनिल कार्बन। अब ये साइक्लो हेक्सीन है, ये सब एग्जाम्पल्स है, इसमें आप कैसा समझाऊंगा कि विनाइल कार्बन कौन सा है। तो देखिए ये sp2 कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन, ये अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो ऐसा कार्बन जिसको डबल बॉन्ड है वो सब कार्बन विनाइल कार्बन है, तो ये विनाइल कार्बन। तो साइक्लो हेक्सेन में दो विनाइल कार्बन, VC मीन्स विनाइल कार्बन, इसमें कितने हैं देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये इसमें 4 विनाइल कार्बन, इसमें कितने, इसमें साइक्लोपेंटीन है, इसमें 2 विनाइल कार्बन, इसमें 1, 2, इसमें 2 विनाइल कार्बन। ठीक है, याद रखिए अगर यहाँ पर मैं लगाता हूँ हैलोजन, कोई भी हैलोजन या यहाँ, तो वो हो गया विनाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड हुआ। ठीक है, अगर यहाँ लगाता हूँ यहाँ या यहाँ, चारों में से कहीं, तो वो हो गया विनाइल हैलाइड, याद रखिए। ठीक है, ओके, लास्ट सेकंड एग्जांपल है अलाइल हैलाइड। तो बहुत सिंपल है, अगर विनाइल हैलाइड, देखो विनाइल ग्रुप को अगर sp3 कार्बन है, CH2 अटैच्ड है, तो उसे कहते हैं अलाइल ग्रुप। ठीक है, ये देखिए ये एग्जाम्पल हो गए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 BR, ये हो गया अलाइल ब्रोमाइड। डेफिनेशन समझ लीजिए,
कि ऐसा ऐसा ग्रुप जिसमें sp3 कार्बन किसको अटैच हो, sp2 कार्बन को अटैच हो। हम इसको बहुत सिंपल समझ सकते हैं। देखिए अभी एग्जांपल ही यहीं देख लीजिए आप। ये देखिए तो विनाइल कार्बन है, इसको अटैच है sp3 कार्बन, ये हो गया अलाइल कार्बन, ये अलाइल कार्बन, ये भी क्या हो गया अलाइल कार्बन। देखिए इसमें, देखिए इसमें ये विनाइल कार्बन है, ये या सेम है, ये विनाइल कार्बन, ये विनाइल कार्बन, लेकिन ये कौन सा, ये है अलाइल कार्बन, ये कौन सा sp3 कार्बन है, मीन्स अलाइल कार्बन है। इसमें देखिए ये दो कार्बन विनाइल है, लेकिन ये इसको अटैच है इसलिए ये अलाइल कार्बन हुआ, ये विनाइल कार्बन हुआ, ये हुआ अलाइल कार्बन, ठीक है। और एक एग्जांपल लेंगे हम, देखिए वो है बेंजाइल हैलाइड की एग्जांपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है। और इस बेंजाइल हैलाइड समझ लीजिए कि ये ग्रुप बेंजीन रिंग, अगर उस पर CH2 रहता है sp3 कार्बन, तो इसे कहते हैं बेंजिल ग्रुप। अगर यहाँ पर हेलोजन रहता है तो उसे कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। जैसा कि इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम होगा बेंजिल ब्रोमाइड, इसका नाम है। देखो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, बेंजिल है, बेंजोइल नहीं है, वो दूसरा है, हम आगे देखेंगे। ये है बेंजिल क्लोराइड, ये होगा बेंजिल क्लोराइड, और ये होगा बेंजिल आयोडाइड, ठीक है। तो उसी तरह लेकिन बेंजाइल क्लोराइड बेंजिल, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये प्राइमरी की सेकेंडरी है, इसका नाम बेंजिल, बेंजिल ग्रुप है, बेंजिल ब्रोमाइड, लेकिन ये कार्बन एक कार्बन को अटैच है, इसका मतलब ये प्राइमरी है, तो ऐसे ही इसको कहेंगे प्राइमरी बेंजिल हैलाइड, क्योंकि ब्रोमीन है तो प्राइमरी बेंजिल ब्रोमाइड। अगर इस कार्बन पर मिथाइल वगैरह आ जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए, तो ये हो गया सेकेंडरी बेंजिल ब्रोमाइड, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। उसी तरह अगर ये टर्शियरी कार्बन है, इस पर तीन कार्बन, तीन बॉन्ड जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं टर्शियरी बेंजिल ब्रोमाइड। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन मेथड ऑफ नेमिंग द अल्काइल हैलाइड्स। ओके, थैंक यू।